यीशु मसीह के नाम से बधाई। जनवरी माह में वर्ष परपु की बात बताएं ना दे। जनवरी के महीना में इस साल की जी बेटा। इलाज नाला तो साइज जो नहीं मैं आरो ना और नहीं सो बाकी ना रो लिख चुके। अलेलुया। अलेलुया। ये बड़े स्टोरी ना हम और मरा है ना मैं पास कर देने से ही। नो இவளை பார்க்கலாம் சொல்லப்படாது சொல்லிட்டு இருக்கா பாஸ்டர் ஒருவேக்கா இன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஃபுல் டைம் நீ தான் சொல்லிட்டார் பாஸ்வான் एक बार बोले कि शुक्रवार के दिन तुझे ही बातें करना है நான் ராத்திரி பூரா அந்த சமத்துல இருந்து मैं परमेश्वर की चरणों में रात भर बैठी थी அந்த बैठ कर भी नहीं समझ चमक के पहला नहीं लाने अपने बैग को भी उठाने के लिए बहुत कमजोर लगने लगी रिपीट कर हमारे पति जी लेकर आए थे सुसमाचार की शब्द सामर्थ्य है ये बातें करने के लिए जा रही है इसे कैसे भी रुकाना चाहिए मेरी बहन कहने लगी कि शैतान हमें दबा रहा है लेकिन शैतान हमें दबा नहीं पाएगा मुझे देखकर मेरे घर वाले मेरे बैग को उठाकर लेकर आए जो भी लिख कर रखी तो उसे सभी को प्रचार करने के लिए सोच रही थी लेकिन वहाँ सकरिया नामक एक पासवान आ गए ये बहन तेरे लिए सिर्फ आधा घंटा आप सब मेरे बच्चे हैं जो भी लिख कर आई थी मैं किसी को भी नहीं छोड़ी थी सभी कुछ कहने के लिए हो गया अब महिलाओं के मंडली में ऐसे ही प्रचार नहीं किए महिलाओं की मंडली में भी वैसे ही प्रचार कर रही थी बाइबल प्रचार तो हम वचन के अनुसार ही देते हैं अभी नई सोच आने लगा मैं तो प्रश्न पूछूंगी जो भी वचन कहती हूँ उसी में से प्रश्न पूछूंगी किसी को भी नाम लिखने के लिए नहीं बोलूंगी मैं खुद ही अपना नाम लिखूंगी तीन महीनों के बाद प्रश्न पूछा जाएगा हमारे पासवान हमारे लिए इनाम देंगे क्योंकि हमारे संग जो भी है वो कोई भी नाश नहीं होना चाहिए सब महान होना चाहिए उत्सव के दिन में अब नाटक दिखाने के लिए बहुत महान थे चाल चलन में भी हमें महान होना चाहिए मैं सोच रही थी परमेश्वर पहले कह चुके किसी से भी डोनेशन नहीं मांगना चाहिए कई सालों के पहले महिला से मैं पूछने लगी हमें क्यों देना है क्यों देना है कर कर अनुभव इतने प्रेम से दस सालों के पहले हमें यहाँ आकर 18 साल हो गया है फिर भी मैं कह रही हूँ मैं एक लड़की को देखी थी अच्छे चलवा के कलीसिया में उनकी माता थी उनके पिता ही मुझसे मुझे चिल्लाने लगे आप क्या सोच रही है चर्च कितने सालों तक हम इस कलीसिया में लेडीज मीटिंग आप क्यों महिला आप कैसे महिला के मंडल को चलाएंगे उनमें पेश तब मैं कुछ नहीं बोली उनके पास सायंत्र में एक्सीडेंट आई हम ऊर के बेटा उस शाम को ही उन्हें एक एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन वो शाम को गांव चले गए मैं किसी को न्याय कहने के लिए नहीं हूँ हम सभी को अपने जबान को रक्षा करना है जबान को रक्षा करो जबान की ओटों को संभालना है नूती 43
பஜன் சங்கீதம் 143 தந்திர சொல்லுங்க வாசிங்க யார் எடுத்துட்டா வாசி எத்தனை வசனம் சார் திருஷ்டி மனுஷக்கு வாரமே கவாயி நீ போலா சாய பவித்திர சாஸ்திர கவாஹ் ஆனா उस लेडी लड़की को मैंने देखा उसकी माता बहुत प्रेम जताती है लेकिन ऐसे क्यों बातें बोलने लगी परमेश्वर की जो इच्छा नहीं है वो इच्छित किए हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई समस्या आती है हमारे ऊपर आकर गिरना चाहिए जनवरी फर्स्ट लेना वचन क्या है फरवरी का पहला हफ्ते में पहला है हफ्ते में बातें किया हुआ वचन क्या क्या देखिए हमारे परमेश्वर कैसा है जहाँ नहीं बोता है वहाँ कतरी करता है ये नहीं होगा कर कर बोलेंगे तो यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में रहेंगे वैसे ही होगा जहाँ नहीं छिड़कते वहाँ इकट्ठा भी करेंगे इतनी महान सर्व शक्तिमान को अपनाए है रात्रि அவர் சொல்றார்ல சங்கீதக்கார ஒரு முறை கேட்டேன் ஒரு முறை தேவன் ஒரு முறை விளம்பினார் परमेश्वर ने एक बार वो बताया था लेकिन दो बार दोहराया गया है उसी वचन के बारे में आज बातें करने वाले உனக்கு முன்பாக போகிறவர் பரமேஸ்வரி திராகி சலேகா அவர் உன்னோட இருப்பார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றார் இந்த வார்த்தை நாம யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறோமோ அவர்களுக்கு பலி வந்து பலிக்கும் ஏ வச்சனுக்கு தூவி விசுவாஸ் கர்த்தே உனக்கு ஊப்பர் ஆக்கலோ கிரேகி நிறைய தடைகள் வரலாம் कहीं रुकावट आ सकता है अपने खुदपन की बुद्धि में न डालते हुए उनके वचन की आज्ञा करते समय सभी कुछ जय ही है ये वचन परमेश्वर किसे देता है யோசுவா கேசி வக்தி தான் அவற்றிருந்து பரிசுத்தத்தை கற்றுக்கொண்டார் உன்சே பவித்ரதாக்கும் சீக்கே அலேலுயா அலேலுயா அப்போ நான் மூணு காரியத்தை வச்சு பேசறது இருக்கேன் தீன் காரியம் கிடையாது தெரியாது சமய மிலேகா கே நீ நீ பதா யோசுவா யோசேப்பு இளைய குமாரன் யோசுவா தூசரா புத்திர யோசேப்பு ஒரு யூசுப் அல்லேலூயா அல்லேலூயா இப்ப யோசேப்ப பாருங்க யூசுப் கு தேக்கி ரொம்ப செல்லப்ல பஹுத் லாட்லா தா சந்திரஜனம் மாதிரி இது ரொம்ப உயரமா இருக்கனால எனக்கு ஒருத்தர் தெரிய மாட்டாங்க கீழ தலை விழுந்தாங்க வசந்தம் அல்லேலூயா அல்லேலூயா அப்போ நான் யோசேப்ப இனிமேதான் சொல்லணும் ஆனா உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லி தரேன் எனக்கு அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பு வருது
जो चंद्रमा जी के वाक्य ने बहुत हंसी आती है। शैतान हमें कैसा दबा सकती है, लेकिन सिर्फ नाटक करता है, माया से चली जाएगी। योसेफ यूसुफ अपने पिता के लिए बहुत लाडला था। बारह बेटों के बीच में पर उनके पिता इनको रंगीन कपड़ा दिए थे, स्पेशलिस्ट बहुत अहम था। आना देखिए शैतान ने तभी नहीं दबाया तो कैसे वो फिरौन के लिए भी मालिक मलिक बनेगा। इनमें ना अब चोल वर्गे तो बाद में ही बता होगी उसी बारे में। शैतान यदि हमारे से नहीं लड़ेगा हमारी द्वारी महान कार्य नहीं होगा। केवल एक को सोच कर रखिए, संसार की अधिपति के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। कार्य जय मिला कई कार्य में हम विजय नहीं है कर हम सोच सकते हैं। जय हमारे लिए ही जय है। यहोशुआ उस दिनों में पवित्रता को सीख लिया। तंबू में ही था, हमेशा तंबू में ही था, परमेश्वर की तंबू में। सीनाई मलैले प्रमाण परमेश्वर उस वाचा को देते समय वो प्रजा के बीच में नहीं था, चट्टान की बहल में था। हमारे लिए परमेश्वर क्या उपचार कर रहे हैं, निर्णय पड़ना हम लगातार हमें निर्णय करना है। कई झुंड में मिलते समय हमें कैसा होना चाहिए, परमेश्वर योशुआ से बते है कि अकेलापन में योशुआ 1:8 में न्याय प्रमाण मोसे कर्पित न्याय प्रमाण जो भी मूसा द्वारा वाचा दिया था तेरा ऊंट में से वो अलग नहीं होना चाहिए, उसे दिन रात ध्यान दिया रखना। तब तेरे मार्ग सीधा होगा। तब तो प्रभावशाली होगा, इसे हम भूल जाते हैं। उसे घर के द्वार में लिखना है, हाथों में पहनना है। क्यों उस वचन से हमें अलग नहीं होना चाहिए, हम तो नहीं सीखे। 139 में वो कहता है भजन संगीत 10:11 உமக்கு மறைவாக இருளும் அந்தகாரம் படுத்தாது, இரவும் பகலை போல வெளிச்சமா இருக்கும், உமக்கு இருளும் வெளிச்சமும் சரி. இருண்ட கண்ட ஏன் வருது, தெரியா அந்தேரா கியூ ஆதா ஹே, ஆனா இருளா இருந்தாலும் அவர் நம்ம கூட, ஏன்னா கர்த்தர் தாமே உனக்கு முன்பாக परमेश्वरी तेरा आगे चलेगा। वो तुम्हें कभी भी त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। दूसरा क्या बताने लगे, मत डरना और कलंकित नहीं होना। भय किसके पास है, शैतान का है वो। हमें विश्वास करने के लिए सीखना चाहिए। परमेश्वर क्या कहते हैं, तेरे बच्चे ऐसे होंगे, तेरे बच्चे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे। तेरी संतान को देखकर ये परमेश्वर से आशीषदायक पाए हैं। ये कौन बताया था, हमारे पिता कहे हैं। देखिए हमारे हृदय में क्या आती है, मेरे बच्चे ठीक ही नहीं है, मेरे बच्चे बहुत तकलीफ उठाती है। जवान एक उत्पत्ति करने वाला शक्ति है। एक व्यक्ति अपने प्रचार में ऐसे बोलने लगा,
कुर्सी हमारे देश पर कब आई मालूम नहीं। चार उठा को मुन्ना कुर्सी उत्पन्न करने से पहले हमें मनस उनके हृदय में क्या था? चार उनके हृदय में कुर्सी था, चार पहिया था, उसके हृदय में इसके चित्र आने लगा। उसके हृदय में इसके चित्र नहीं आने से पहले कैसे वो उसको उत्पन्न करेगा? कुर्सी ही नहीं था लेकिन उनके हृदय में उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए उसने कुर्सी बनाई। हमारे पिता कहते हैं तेरे पति तेरे घर के आसपास दाखुलता के समान रहेगा, लेकिन हमारे पति ठीक ही नहीं है, उनकी कमाई कम है, वो अच्छाई का कैसे भी होने दीजिए। 144 संगीत उसमें भजन संगीता यो कहते हैं। देखिए भजन संगीता कौन सा भजन संगीत है? धन्यवाद संगीत विजय और सुरक्षित की भजन संगीता है। इस भजन संगीता में हरियाली और सुरक्षा है। नामक देवन सेलमयु पादापुर கொடுக்கிறார் हमारे लिए परमेश्वर उन्नति और सुरक्षा देते हैं। किन्हीं देता है? जो भी विश्वास करता है केवल उन्हीं को मिलेगा। हालेलुया हालेलुया இப்படிதான் இருப்பா मेरे बेटी ऐसे ही रहेगी। अरे எப்படி இருப்பா ऐसे कैसे रहेगी? इन्हें तो उम्र घट गया है तो काम नहीं कर पाएगा, तो वो तभी काम नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया उनमें वो सच्चाई है क्योंकि उम्र घट गया है। ये किसका सोच है? शैतान की सोच है। परमेश्वर क्या कहते हैं? तेरी पत्नी तेरे घर के आसपास दाखलता के समान है। पति के लिए भी वही वचन है। किसकी किसके ऊपर भरोसा रखोगे? नारकाली उरुवान कुर्सी को उत्पन्न करने के लिए उसके हृदय में कुर्सी की चित्र उत्पन्न हुई, इसके लिए उसे कुर्सी बनाने के लिए। देखिए हमारे हृदय में क्या है? हमारे बच्चे के बारे में, कणवरे हमारे पति के बारे में, रसूल आस पास की परिस्थिति के बारे में। हालेलुया हालेलुया मूलमाक उरुवा हमारे द्वारा उत्पन्न होगी। हालेलुया हालेलुया आदिले देवन आदि में परमेश्वर। आहलिया उस पांचों पुस्तक में परमेश्वर की सच्चाई की इतिहास प्रकाशित है। किसी इतिहास में वैसा नहीं है। हमारी पवित्र शास्त्र में आदिले देवन आदि में परमेश्वर आत्मा जी पानी में मंडला रहे थे। कुमार कुमार पुत्र हमारे लिए उत्पन्न छुटकारा देता है। उत्पत्ति में वो आ गया। देखिए उत्पत्ति में आ गया उत्पत्ति में छुटकारा छुटकारा आया है उत्पत्ति में। स्त्री के बीच तेरे सर को चुकना है उत्पत्ति में ही वो आ गया। नम भाग्यवान हम भाग्यशाली है। हालेलुया हालेलुया சரித்திரத்திலும் இல்லாத வேதத்தின் மகத்துவத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். किसी इतिहास में ना पाया हुआ पवित्र शास्त्र में मुझे और आपके लिए लिखकर दिया है। हालेलुया हालेलुया இப்போ நம்ம யாரும் சேனை அதிபரின் சேனைகள் हम सब कौन है? सेना अधिपतियों की सेनाएं है। इसलिए एक व्यक्ति ऐसा कहता है मेरे पास बंदूक है मेरे पास बंदूक है यार मतलब सुटना मैं तो किसी को गोली लगा सकता हूँ लेकिन उसे चलाना चाहिए। देखिए मेरे पास बंदूक है गोलियां भी है लेकिन उसे चलाने के लिए आना चाहिए।
आपको तुपाकी तंदर कार कुंड तंदर कार उसी समान हमारे पास बंदूक भी दिए हैं और गोलियां भी दिए हैं विश्वास वार्ते के लिए पेशुं बड़ी के आपने वापु तंगले तंदर करा विश्वास वचन को बातें करने के लिए उनकी सभी वायदा को दिया है आटिकेटी उनका चोल में रेंडु को दिन दिया गोन्ना अधिकारण ये बना वचन तिला लगातार मैं ये वचन कह सकती हूँ कह चुकी हूँ दूसरे कुरिंथियों पहला अध्याय परमेश्वर इस उत्सव में आप पासवान के हाथों में कमियां नहीं आना चाहिए महीना भर दान देते है उसे लिख कर रखी थी पासवान की माँ जी को बताने लगी ना पीके की पास्टर मादरी नम सभा अंकल का चाहिए पीके की पासवान की तरह मैं अपने कलिश वालों को कर रही हूँ महीना भर देने वाले दान को सभी को दे दिया मैंने पासवान कर तभी आप पासवान से पूछिए उसे पूछ कर कि मैं खर्च की क्या उसे भी भरने के लिए परमेश्वर अनुग्रह किए 45,000 35,000 वो किसी भी लचित नहीं कराएंगे इसके बाद मैं सभी को नाम पढ़ूंगी अलेलुया मेरे हृदय उमड़ रहा है मुझे भी उनकी सेवकाई कर आदर करने के लिए एक जुट है इसके लिए धन्यवाद करती हूँ केवल 15 मिनट बाकी है यहोशुआ को हम देखने लगे विश्वास की वीर था सहोदरी संद्रा विश्वास वीरांगने वरपुरा मेरी बहन विश्वास की वीरांगन बनने वे परमेश्वर की बात नहीं मानती वो भी मेरी बात नहीं मानती वो सभी का बात मानती है और खुद के कार्य में नहीं मानती है तभी भी योशुआ मूसा के साथ था वो सीखने लगा सीखा इसके लिए वातावरण को देखिए परमेश्वर योशुआ को कैसे तसल्ली करते हैं கடைசியில 39 நம்ம இப்ப பாஸ்தான் வாசிக்க வேண்டாம் விவசாயம் அபி தேக்கிய தேவ ஸ்வச்சன் மோசி மூலமா சொல்கிறார் மோசி துவாரா பத்தாங்க நம்ம பரசங்க வாக்கியம் उसी हमारे प्रचार की वचन है कर्तर नामी उनके मुंबा है परमेश्वरी तेरे आगे चलेगा नमक मुंबा ये परमेश्वर दिया हुआ वचन में अपने खुद पना से नई बातें कर रही है उनके मुंबा इसे कौन विश्वास करता है अगर उन्होंने वो तेरा संग रहेगा उन्हें विलहुद मिले कई विलहुद मिले तुझे धोखा नहीं देगा और ना छोड़ देगा इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो किसी कार्य में मन हमारे मन कच्चा है बच्चे के बारे में कच्चा है आज सुबह एक कॉल फोन कॉल आया था शादी के बारे में बताने के लिए तब मैं बताने लगी अभी योशुआ के बारे में हम कहेंगे मूसी को मूसी के संग रहकर पवित्रता को सीख लिया हमारे विश्वास की बड़ी के उसे विश्वास करने के लिए मूसी मामा पैसा परमेश्वर मूसा द्वारा बातें करता है तुम मत जाओ और तेरा मन कच्चा है लगभग 10 लाख प्रजा को कैसा चला पाएंगे महिलाओं के मंडल में हर साल मुझे कितना दुख उठाना पड़ता है मैं किसी को कमी हाट नहीं कहने के लिए चाहती हूँ जैसे चंद्रमा जी कहे कि सैतान हमें दबा रहा है इसके लिए परमेश्वर हमारे पास कहे कि एक व्यक्ति को आकर गीत गाए बोलेंगे तो नहीं गाएंगे सगोदरी
एक महिला पैर में आपकी पैर छूती हूँ, मैं गीत भी नहीं गाऊंगी और नाटक भी नहीं करूँगी। तू गीत गाएगी और नाटक में भी शामिल होगी कर कर। सभी बच्चे लोग अपने नाटक में दिखाने लगे, उसे आदर करना चाहिए। यदि यही नाटक हमारी जिंदगी में करेंगे तो शैतान विजय हो जाएगा। हमारी जिंदगी में केवल सच्चाई होना चाहिए। अब योशुआ को मारबड़ी आंडवर पैसी रहा है। योशुआ के पास फिर से परमेश्वर बातें करता है। वो खान में दिखेगा तमाम घर में। तेरे पैर जहाँ जहाँ ठहरेगा सभी को तुझे दूंगा। उंगली खुदा जो सुनने वाला आप ही के लिए। खान में दिखेगा तमाम तेरे पैर जहाँ जहाँ ठहरेगा सभी को पालोगे। क्या क्या खोकर बैठे है, तेरे विरोध में कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। हालेलुया हालेलुया। ये आंडव चल रहा है, देखिए कैसा परमेश्वर बताते हैं। तेरे पैर जहाँ ठहरेगा सब तेरे लिए है। तेरी जिंदगी पर कोई भी तेरा विरोध नहीं खड़ा रह पाएगा। पत्त वर्ष अनुभव अच्छे चरवा की कलेशा की 10 साल के अनुभव का कहने इसे भी बोलती जाना पड़ेगा। में तो कुछ अच्छा और भी नहीं सीखा। मुझे परमेश्वर जो सिखा कर देते हैं, मैं दीन और नम्र हूँ। मुझे और आपको दीन को सीखना है। और भी परमेश्वर की वह नहीं जानती। देखिए हमारे परमेश्वर कैसे है। योशुआ को मोसा चलिट पेटा रहा है। योशुआ को मोसा कहकर चल पड़े। वो कमलियों रखा है। अब वो दुखित है, चिंतित है। पालनगुंड तेरा मन आए रहे। बल मंडा बन से डाकस मारना। मोसे चुना वार कही है कि कट्टू कोलम बड़ी पालनगुंड जो मोसा द्वारा दिया हुए वचन की पालने के लिए धीरजवान रहना। तेरे विरुद्ध में कोई भी नहीं खड़ा रहेगा। आज हमारे लिए कोई भी विरोध नहीं खड़ा रहेगा। मोसे की व्यवस्था उस वचन को दिन रात जांचना है। योशुआ कहने लगा वातावरण को आज्ञा दिया। सूर्य ने चंद्र ने ये सूर्य और चंद्रमा वहाँ ही ठहरना। परमेश्वर से बातें करने लगा। उसके बाद कहने लगा मुझे और आपको क्या सीखना है। सभी के द्वार से अपने हृदय को संभालना है। उसमें से क्या निकलती है। जीवन की सोता निकलती है। वह हमें सृष्ट किया। उनके श्वास को ही हमारे ऊपर उंडाले। उस जीवन की श्वास को हम पाए हैं। हमारी जिंदगी में सीखते समय हम विशेष व्यक्ति है। ऐसाया 50:4 ऐसा कहती है इसने वातावरण से बातें किया। सूर्य और चंद्रमा को ठहरने लगा। मूसा मिश्र से इजरायली को लेकर आए। रेगिस्तान में चलाए। योशुआ कानान को कूटिट वंदे। योशुआ कानान में लेकर आकर नाम कर्तरुडी नम्म पिल्लैगलुक्कु मैं और आप हमारे बच्चों के लिए सेलमी पढ़िट कोडुपो हमारी धन को इक्का बटोरोंगे। हालेलुया हालेलुया। योसेफ पुत्र वंदे कहकांग। यूसुफ के पुत्र आकर बताते हैं எங்களுக்கு நீ தந்தது காணாது जो हमारे लिए दिया है वो हमारे लिए काफी नहीं है। அதிகமான பங்கையும் நல்ல வளமான எல்லையும் எங்களுக்கு வேணும் யூசுப் பிதரே கேட்டாங்க। अच्छे हरियाली और धन हमें जाएगा
चाहिए कर यूसुफ पुत्र मांगते हैं। योशुआ इन्हें सुन रहा है, योशुआ तब क्या कहते हैं, उनके जन्म प्रेतवर है, आप तो प्रबल है, उनके पराक्रम उन्दु, आपके साथ पराक्रमी है, और पंग मात्र नहीं है, केवल एक भाग नहीं, माले देश उन्दु चट्टान की देश भी आपका है, खाना न पड़िया वो बहुत है, इसके लिए उसे वो जंगल है उसे टीक करिए, उसे कैसे टीक करना चाहिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, रात में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, बातें करना है। पराक्रमशाली के पुत्र के पास कहते हैं कि आप पराक्रमशाली है, किनके बारे में ऐसा बताते हैं जो प्रार्थना करते हैं और सीख भी लेते हैं, पहाड़ों प्रदेश को उसे कटा करो और उसे सीधा कर लो, सीर पड़ते तकती पड़ते उसे सीधा कर जिंदगी के लिए उसे इस्तेमाल करो। मोसे समाधान मोसे शांति के साथ मृत्यु पाता है लेकिन एक कमियों के साथ मृत्यु पाता है, समाधान 110 उम्र तक रहकर शांति के साथ भी मृत्यु पाता है। समाधान प्रभु समाधान तोड़ नम आंडोड़ समझ, मुझे और आपके लिए शांति की राजकुमार है, हम मृत्यु शांति से पाना चाहिए, हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों के लिए रास्ता साफ करना है, हमें ही काम करना पड़ेगा, हल लेकर क्या, एक पल परमेश्वर को ऐसी बैठने नहीं देना चाहिए, बच्चे कहाँ है मालूम नहीं है, मुख्य वह आए चाहिए, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमारे लिए हमारे आस पास की प्रजा के लिए, संसार के लिए उनके लिए हमें काम करना चाहिए, दूसरों के जीने के लिए उन्हें सहायता करना चाहिए, सभी से बढ़कर हमें काम कर जीवन बिताना चाहिए, हम सब घर के काम करने वाले हैं, समाधान पढ़ते पवित्र शास्त्र पढ़ना और प्रार्थना करना हमारे घर पर शांति लाएगा। एक बार एक से टैक्सी पर ऐसे लिखा है, तुझे जीने के लिए दूसरों को जीने दे, नी वाला पिररे तुझे जीने के लिए दूसरों को कष्ट मत देना, वो अच्छे शब्द था, सब ऐसे ही हो रहा है। मैं 10 साल तक मैं वहाँ रही, बिशप बिशप के पास एक जुड़े चली गई, मुझे ढकलने नहीं ऊपर वाला कहा है, कोई भी मुझे पद नहीं दिए, पासवान वहाँ की पासवान भी मुझे अलग नहीं करने, वहाँ से उत्तर लेकर आए, 6 साल के बाद नहीं रहना है, 3 साल के बाद नहीं रहना है, किसी भी आज्ञा नहीं चला, 10 साल रही थी, 7 साल से परमेश्वर मेरे लिए बुलावट भेज रहे थे, परमेश्वर 7 साल के पहले मैं से बातें करने लगे, यहाँ आने के लिए कहने लगे, लेकिन 10 साल होने के बाद यहाँ भी 18 साल परमेश्वर मुझे सिखा कर देते है, सुलेमान की दिनों में कोई भी उनके विरुद्ध नहीं खड़ा था, क्यों हमारे दिनों में विरोध होता है, क्योंकि हमें अब नहीं सीखा, यार ये तो नहीं करना पड़ेगा, कोई भी विरोध करेंगे तो मुझे गटी नहीं कहूंगे, घर पे भी बाहर भी मेरा ही कमी महसूस, वैसे कहकर उनके समूह में आने पर परमेश्वर वचन को बेचते हैं, वो हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर यो कहते हैं मत्ती 5वां अध्याय में, शत्रु शत्रुओं से स्नेह करो, हालेलुया हालेलुया।
केवल अपनी भाई को आप बधाई दे रहे हो। आप विशेष क्या कार्य करते हैं? अच्छे और बुराई के ऊपर धार्मिक नामक सूरज को उगाता है। मैं तो अच्छी नहीं हूँ। आप तो धार्मिक की सूर्य को हमारे ऊपर उत्पन्न करते हैं। मेरे भी उजियाला होने दीजिए। शैतान हमें नरकरे बोले नडीपा। शैतान हमें दबाकता है कर नाटक करेगा। हमारे लिए अंधियारा और उजियाला समान है। हमारे लिए परमेश्वर की वाचाएं है। खर्च के बारे में, बच्चे के बारे में, पति के बारे में, सभी कार्य के बारे में जो भी विश्वास करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। योसेफ वंशज के नारे कुरकर यूसुफ की संतान को बहुत देते हैं। हालेलुया हालेलुया। मले नाटे कुड़करा जंगल के प्रदोषों को देते हैं। इप्पो नमक्कु अदु काडु पोले इरुक्कलाम वाळ्क्कै। हमारे लिए भी हमारी जिंदगी जंगल के समान रह सकती है। विश्वासिकरवळुक्कु सेळुमै तरुगिरार। विश्वासियों को हरियाली देता है। इप्पो सुरुक्कमा सोल्लि मुडिक्कणुम अंजु निमिषम। अदु योसेफ पारुंग। यूसुफ को देखिए। पिता के संग रहकर पिता का लाडला था। सहोदर विरोध उनके भाई उनके विरोध उठने लगे। देखिए शैतान से अच्छे से दबाया ऊंचाई करने के लिए। कड्डे में डाल दिए। गुलाम बनाकर बेच दिए। के घर पे हरियाली आई। अंदा कंड पोटांगा। लेकिन वो माँ की आंखें इनके ऊपर आ गई। यूसुफ क्या कहने लगा? परमेश्वर के विरोध में मैं कैसे पाप करूँगा? मेरे लिए और आपके लिए यही व्याकरण तत्व हमारी जिंदगी का व्याकरण वही है। बचार मट पाव वैश्यापनी केवल पाप नहीं है। वार्ते पाव बिना प्रेम की बोलने वाले शब्द भी पाप है। हमें ऊंचाई होने के लिए दूसरों को चोट पहुँचाते हैं। बिरयानी इस साल हम तो बिरयानी नहीं डाले। बिरयानी कोटा यहाँ नहीं परमा बिरयानी डालेंगे तो हम किसी को बोला नहीं चाहिए। आप बटोरो करके सभी अपने आप बटोरने के लिए जाते हैं। अभी ये सफेद चावल था इसके लिए कोई भी बटोरने के लिए नहीं गए। किचन की रानी वहाँ बर्तन ही सब तोड़ रही थी क्योंकि बटोरने के लिए कोई भी नहीं आए। उनकी कष्ट को देखकर कई जन बटोरने के लिए किसी को मैं चोट पहुँचाने के लिए नहीं कही। मन फिराना है मुझे भी मन फिराना है मुझे भी मन फिराना है। यदि हम सीख लेंगे तो परमेश्वर हमारी नाम को महान कराएंगे। हमारे बच्चे को महान कराएंगे। सुबह जो आए तो फोन कॉल के लिए मैं वही बोलने लगी। हमें बोलने के लिए वो अन्याय भरा परमेश्वर नहीं है। यूसुफ लाडला था। जब शैतान उन्हें नहीं दबाया तो वो लाडला ही बना रहेगा। चुप्पी चुप्पी मंदा है पिसास। यूसुफ को घूम कर आए शैतान क्योंकि मिश्र की राजा बनने के लिए उस राजा के लिए भी वही सलाना देना है। ये चाहिए कि क्या चाहिए? परमेश्वर ने कहने लगा आपके सामने ही रखा हूँ तुझे उठाना है। देखिए छोटा पुत्र कब सीखा? परमेश्वर ने जो दिया वो नमूना थे। दो पुत्र थे। छोटा पुत्र पूछने लगा कि मेरी बाप को मुझे दे दीजिए। परमेश्वर दे दिए। केवल एक ही जिंदगी मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर दिए है। हालेलुया हालेलुया। अब एक ही जीवन को दिए है उसे जी कर दिखाना है। हालेलुया
देखिए मसीह हमारे लिए ऐसी राजनीति क्यों है ना कचकोड़े नहीं नो मुझे सीखना है नीति पर खुदा न्यायी है छोटे पुत्र कहने लगा कि मेरे बाप मुझे दे दीजिए हमारे सभी के लिए परमेश्वर दे दिए पिता के संग जब था तभी उसने नहीं सीखा अपने पैसा पूरे पूरी परिस्थिति में खर्च कर कर अभी खाने के लिए उसे कुछ नहीं रहा तब उनके सोच में हालेलुया सीधा होता है पिता के चरण को छोड़कर आ गया देखिए हमारे पिता के घर में कितने घराने हैं समुद्र सहोदरी पिल्ले गए जो आज आए हुए माते माता महिलाएं और मेरे बच्चे देखिए हमारे पिता के समुख पर क्या क्या है उसे पा लेने के लिए सीखना चाहिए दुखर की खाने को भी छोटे पुत्र को नहीं दिया गया उसे खाने के लिए बहुत चाहत के साथ तब उनकी बुद्धि सीधा हुआ पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया मैं अब पिता के सम्मुख में जा रहा हूँ देखिए उनके सम्मुख पर आते क्या मिला उन्हें अंगूठी मिला मेलिय वस्त्र अच्छे कपड़े मिला पंडिक कोंडाटम और तंदुरुस्ती भोजन मिला चिकनी भोजन मिला और जूते मिली जो भी धन हरियाली था सभी कुछ मिला परमेश्वर क्यों आए पापियों को उद्धार करने आया जो खोया था उसे ढूंढने और उद्धार करने आया देखिए जो जो हम खोए हैं उसे हम कबूल करेंगे मैं गवर्नमेंट के साथ जीना बिताया काफी बुजुर्गों की आदरहीन किया दूसरे को तुच्छ मानकर बातें किया वो जो भी अक्रम कार्य मेरे सोच में वो सब छोड़ना है यीशु मसीह की लघु से धोती है वो फिर से देने के लिए तैयार है परमेश्वर ही तेरे आगे चलाएगा तुझे कभी नहीं छोड़ेगा ना लगेगा ये सभी का है यार कौन इसे उठाने वाला है कई पवित्र मानो से उठा लिए यूसुफ को देखे और छोटे पुत्र को देखे कुमार आशीर्वाद के पड़ता छोटे पुत्र आशीष दायक हुआ नाम आशीर्वाद के पड़ो हम भी आशीष पाएंगे परमेश्वरी से इसे आशीष करेंगे और भी बड़ी के मुझे काम करने